को देखते हैं। यदि 1400 का x परसेंट बराबर 119 हो तो x किसके बराबर होगा? 1400 का x परसेंट है बराबर 119 हो तो x का मान निकालने के लिए बोला जाता है। देखिए 1400 का दिया है तो गुना लिखेंगे, 1400 का x परसेंट गुने x बटा में 100। जब भी परसेंट दिया रहे तो बटा में 100 बराबर 119 हो तो 119 हो तो x किसके बराबर होगा? इस तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1400 का x परसेंट x बटा 100 बराबर 119 हो तो x का मान निकालने के लिए बोला गया है। यहाँ पे जो x है इसी का मान निकालने के लिए बोला गया है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तो x के मान निकालने के लिए लिखेंगे x बराबर, यहाँ पे 119 जो है बराबर के दाहिने तरफ है, इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज होगा तो यहाँ पे जो 100 बटा में जो दिया हुआ है भागा में क्या हो जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। तो लिखेंगे 119 गुने 100 बटा में 1400 बटा में 1400। इसी तरह जो है क्वेश्चन को क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, बराबर को उस तरफ को लाएंगे तो भाग जो है गुना में चला जाएगा और इस संख्या को काट देंगे। काटेंगे तो इस 00 से इस 00 को काट देंगे, 14 से 119 को काटेंगे तो 14 8 112 और 14 का आधा हो जाएगा 7, 112 7 112 और 7 119, यानी कि 8.5 आया। तो x का मान निकालें तो क्या होगा, x का मान कितना हुआ 8.5, यही जो x दिया था उसी का मान निकाल ले तो आया है 8.5, ऑप्शन मेरा सी हो गया। इसी तरह जो क्वेश्चन दिया रहे तो उसको परसेंटेज निकालेंगे। यदि 240 का 5 पूर्णांक 1/2 x के 150% के बराबर है तो x का मान निकाल लें। x का जो मान निकालने के लिए बोला गया है 240 के 5 पूर्णांक 1/2 के बराबर है और 150% दिया है जिसका मान निकालना है x के लिए, तो लिखेंगे 240 का 240 1/2 को लिखेंगे, 5 पूर्णांक 1/2 को 11/2 लिख तो बराबर एक्स के 150%, एक्स का जो है ना 150% दिया हुआ है, 150% को लिख सकते हैं 150/100। जब भी परसेंटेज दिया हुआ है तो बटा में 100, यहाँ पे 150% तो 150/100। आइए इसको क्या करेंगे, बराबर के उस तरफ 150% दिया हुआ था तो उसको इधर लाने के लिए क्या होगा, साइन चेंज होगा। जैसे कि 2 नीचे 100 जो है नीचे में है भागा में ऊपर में चला जाएगा, कैसे उसी तरफ 240 गुने 11 गुने 100 बटा 150 गुने 2 क्या हुआ, साइन को चेंज कर दिया, बराबर को स्टॉप कहता है यहाँ जो 2 जो है भागा में था भाग में, सो कहाँ हो गया भागे में है, और यहाँ पे जो 150 है 150 ऊपर में था जो नीचे में आया और 100 जो नीचे में था ऊपर में आ गया। अब इस तरह को काट देंगे, कटने वाला है तो काटेंगे, इस 0 से इस 0 काटेंगे, 2 से 24 को काटेंगे 12 मरतबे और 3 3 चौका 12, 3 5 15, 5 से 100 को काटेंगे 20 मरतबा में, कितना हुआ है 11 चौक 44, 44 में 20 से गुना करेंगे तो बराबर 44 गुने 20, यही तो एक्स का मान आ जाएगा। तो एक्स बराबर एक्स का मान कितना आया, 4 में 0 से करेंगे तो 0, 4 दुनी
आठ और 4 दुनी 8 कितना मान है? एक्स का मान जो था 880 आ गया, ऑप्शन मेरा सी हो गया। इसी तरह परसेंटेज का क्वेश्चन, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है? कोई संख्या दिया हुआ है जिसका 40% पूछ रहा है और 200 का 200% का 90 दिया हुआ है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या अपना से बैठेंगे एक्स, एक्स का जो है 40% बराबर 40, एक्स का जो था 40%, एक्स जो है अपना से मान लिए हैं कि 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। 200% जो दिया था ना वो 90 का है, तो यहाँ पे लिखेंगे 200% बराबर 90। 90 90 जो नंबर है उसका 200% है, और यहाँ पे जो 40% दिया हुआ है इसका मान निकाल लीजिए कितना का है, 40% कितना का है, यही एक्स को निकालना है। तो ये जब इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तो कैसे बनाएंगे? 200 का 90% है तो लिखेंगे बराबर 90/200, और 40% निकालना है अपना तो गुने 40। क्या करेंगे, इस 40 जो था प्रतिशत में इसको गुना में कर दिए हैं, यहाँ पे क्या करेंगे अब काट देंगे, इस जीरो से इस जीरो को कट जाएगा, इस जीरो से इस जीरो का, और 2 से 4 को 2 मरता में बराबर कितना होगा, 9 दुनी 18। वो जो संख्या दिया हुआ था जिसको हम एक्स माने थे, तो एक्स का जो मान आया था कितना आया था 18, उसका मान आ गया 18, ऑप्शन मेरा ये सही होगा। यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा? कोई संख्या है जिसका 20% 120 है तो उसी संख्या का 120% क्या होगा? तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिया रहे तो कैसे बनाएंगे, किसी संख्या का 20% 20% दिया हुआ है तो लिखेंगे 20% का मतलब हुआ बटा में 100, 20% बराबर 120, ठीक है? तो उसी संख्या का 120% क्या होगा? तो उसी संख्या का 120% क्या होगा, यही मान निकालना है। मान लीजिए कोई संख्या एक से है, एक्स जिसका 20% दिया हुआ है 120, तो 120% निकालने के लिए बोला जाता है। तो कैसे निकालेंगे, काट देंगे यहाँ पे, इस 20 से 100 को काटेंगे तो कितना मरता हुआ, 1/5, एक्स 1/5 बराबर कितना हुआ 120। ये जो मान आया था 120 1/5 के है, उस तरफ जब बराबर के 120 जो बराबर के दाहिने तरफ है इधर लाएंगे तो क्या होगा, गुना में हो जाएगा 5 × 120, 5 से गुना करेंगे तो 120 को तो कितना हुआ है 600 बराबर 600, 0 से 0 25 60, 600 हो गया। अब जो संख्या है 600, इसी 600 को 120% बोला जा रहा है निकालने के लिए, 120%, तो लिखेंगे 120% निकालने के लिए बोला गया है कितना 600 का, लिखेंगे बराबर 120/100, परसेंटेज है तो बटा में 100 × 600 कर देंगे, इस 00 से इस 00 को कर देंगे, 6 से 0 में गुना करेंगे तो कितना हुआ 0, 6 दुनी 12, 2, 6 के 6 और 1 7, कितना आया, एक्स का जो मान था 720 आ गया, वो संख्या कितना आया 720, किसका, जब 120% निकाले हैं, 720 मेरा बी आंसर हो गया। यदि किसी संख्या का 40% का 16% 8 है तो वह संख्या क्या होगी? कोई संख्या दिया हो जिसका 40%
16% 8 है तो वह संख्या क्या होगी? जब भी परसेंटेज है कोई संख्या दिया हुआ है तो उसका निकालेंगे क्वेश्चन। किसी संख्या का 40%, 40% का 16% बराबर, 16% बराबर 8 है तो वह संख्या क्या होगी? जब भी परसेंटेज है तो बटा में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। 40% दिया हुआ है तो बटा में 100 × 16%, 16/100 बराबर 8। 8 जो है वहां पे दाहिने तरफ है, क्या है 8 जो है दाहिने तरफ है, उसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज। 100 जो नीचे में है ना ऊपर में हो जाएगा, लिखेंगे 8 × 100/40 × 100/16। इस तरह लिख का जब भी साइन चेंज करेंगे, 8 को इस तरफ लाएंगे बराबर के तो साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होने के बाद क्या करेंगे, काट देंगे, काटेंगे तो 8 × 5 = 40, 5 से 100 को काटेंगे तो 5 से 100 के काटेंगे तो 20, 4 × 16, 4 × 5 = 20, 4 × 16, 4 से 100 को काटेंगे तो 25, क्या हुआ 25 × 5 = 125। x का मान कितना आ गया, 125, 125 मेरा सी आंसर हो गया। कैसे, एक बार और इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, यदि किसी संख्या का 40% का 40 का 16% बराबर 8 है तो वह संख्या क्या होगी? 40% के 40/100 गुणे 16% के 16/100 बराबर 8, और 8 को इस तरफ लाएंगे बराबर के दाहिने तरफ तो क्या होगा, 8 × sin 100/40 × 100/16 कर दिए। 8 से 40 को काटे 5 मरते में, 5 से 100 को काटे 20 मरते में, इस 20 को 4 से काटे, 4 × 5 = 20, 4 × 16, इस 4 से 100 को काटे 25 × 100, तो x का मान कितना 25, सर मेरा सी हो गया। इसी तरह क्वेश्चन को बनाते हैं। किसी संख्या के 2/9 के 3/7 का 1/3 अगर 16 हो तो उस संख्या का 25% क्या होगा? संख्या जो दिया हुआ है उसका 25% पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/9, 2/9 के 3/7 का 1/3 अगर 16 हो तो बराबर 16 बराबर 16 हो तो उस संख्या का 25%, ये जो संख्या दिया हुआ है इसका 25% पूछ रहा है, 25%। तो यहाँ पे बराबर के दाहिने तरफ लाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो बराबर लिखेंगे 16 × नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, 16 × 9/2 × 7/3 × 3/1, साइन जब चेंज कर लेंगे उसके बाद काट देंगे, काटेंगे तो इस 3 से इस 3 को काट देंगे, 2 से 16 काटेंगे 8 मरता है, अब तो नहीं कटने वाला है, तो 8 × 9 = 72, 72 में 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 × 0 = 49 = 504, ये जो माना है कितना हुआ, 504 हो गया। संख्या का मान जो है 504 है और इसी का 75% पूछ रहा है, उस संख्या का 75% जो दिया हुआ है वही पूछ रहा है,
504 का 75% तो बराबर 504 गुने सॉरी 25%। ये जो संख्या दिया हुआ है इसी का 25% पूछ रहे हैं, तो 25% के लिए लिखेंगे 504 गुने 25% तो बटा में 100, काटेंगे 25 चौका 100, 4 मर्द में इस 4 से 504 को काटेंगे, 4 एक 4 उतना 1, 4 दूनी 8 10 उतना 2, 4 छक 24 126 बराबर कितना मर्द में कटा है 126। उस संख्या का 25% जो निकाले 126 आ गया, 126 मेरा बी आंसर। आइए एक बार और समझते हैं, ये जो संख्या दिया हुआ है 2/9 के 3/7 का 1/3 अगर 16 हो तो 2/9 के गुने 3/7 गुने 1/3 बराबर 16 हो तो उसी के संख्या का 25% 25% निकालने के लिए पूछा जाए तो 16 को इस दाहिने तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज 16 गुने 9/2 गुने 7/3 गुने 3/1 कर देंगे, 2 से 16 को 8 मरतब में इस 3 से इस 3 को काट देंगे, 8 9 72 72 7 1 504 504 को 25% निकालने के लिए बोला है, तब 504 गुने 25/100 25 से 100 को काटेंगे 1/4 मरतब में, अब इस 4 से 504 को काटे 126 मरतब में, सर कितना हुए 126। यदि किसी संख्या के 25% से 40 का 15% अधिक है तो वह संख्या है, कोई संख्या है जिसके 25% से 40 का 15% से 2 अधिक है तो वह संख्या क्या होगा। मान लीजिए कोई संख्या x मान लेते, x के 25% x के 25% से 40 का 15% बराबर 40 का 15% 15% 2 अधिक है, 15% से कितना अधिक है 2 अधिक है। जब इस तरह के परसेंटेज में क्वेश्चन दिया रहे या कोई संख्या दिया हुआ है, मान लिया जाए x x के 25% से 40 के 15% से 2 अधिक दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज तो बटा में 100 लिखेंगे, तो x के 25% बटा 100 यही परसेंटेज दिया है तो बटा में 100 बराबर 40 के 15% 40 के 15% 40 गुने 15/100 से कितना अधिक है 2 अधिक है, 40 के 15% से 2 अधिक है, अब इसको काट देंगे 25 से 100 1/4 मरतब में, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, 5 5 5 5 2 10 2 से 4 को काटेंगे 2 मरतब में, कितना हुआ x का जो मान था 1/4 बराबर 2 6 बराबर 2, इस मान को उतार दिए, उतारने के बाद क्या किया जाएगा, यहाँ पे जो 2 अधिक है तो 2 अधिक जो है प्लस में है, जब बराबर के दाहिने तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, लिखेंगे x का मान है 1/4 बराबर 6 - 2 हो जाएगा कितना 4, 6 में से 2 घट गया 4 हो गया, माइनस हो गया 4 हो गया, अब लिखेंगे x 1/4 बराबर 4, ये जो मान घटा है तो 4 आ गया है, अब यहाँ पे x के पूर्णांक में 1/4 है, अब बराबर के उस तरफ भी 4 है दाहिने तरफ, तो क्या करेंगे इधर लाएंगे तो यहाँ पे जो 4 है ना डिवाइड में है, भागा में है, भाग में डिवाइड, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, तो x बराबर 4 × 4 x के मान कितना हुआ 16 हो गया, 4 चौका 16 x का मान कितना हो गया
16, तो वह संख्या जो था कितना हुआ 16, जो 25% से था, ऑप्शन मेरा ए हो गया। आइए एक इसी तरह इसको फिर से समझते हैं। यदि किसी संख्या के 25% से 40 का 15% दो अधिक है तो वह संख्या क्या होगा। एक्स मान लिया उस संख्या को, एक्स के 25%, 25% बराबर 40 का 25%, 40 का 15%, 40 × 15% से कितना अधिक है, दो अधिक है। 100% 25% 25/100 बराबर 40 का 15%, 40 × 15/100% है तो बराबर 2। ये 25 से 100 को काटे 4 1/4 मरता में बराबर, इसको काटे 0 से 0, 5 2 10, 5 3 15, 2 से 4 को काटे 2 मरता में, 3 2 6 आया, दो अधिक वाला है। इसके बाद एक्स पूर्णांक 1/4 बराबर इस 6 में से इसको 2 को माइनस किया बराबर 4। जब जब भी उस तरफ है प्लस में इधर आएगा माइनस में आ जाएगा। एक्स पूर्णांक 1/4 बराबर 4, और यहाँ पे 4 है, 4 जो है यहाँ पे डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। एक्स बराबर 4 × 4, एक्स का मान कितना है 16, 16 आंसर।